गदागरी एक कारोबार बन चुका है और इसमें कई गैर मुस्लिम खवातीन भी बुर्का पहनकर सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। ऐसी ही एक खातून को सामाजिक कारकुन और नारी निकेतन की सदर सफिया माही ने फलकनुमा के पास पकड़ लिया, जो भेष बदल कर भीख मांग रही थी। सफिया माही ने कहा कि मुसलमानों को बदनाम करने की खातिर गैर मुस्लिम भिखारी अपना होलिया बदल कर सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। उन्होंने आम चौराहों पर गदागरी में मसरूफ लोगों को गिरफ्तार करने का पुलिस से मुतालबा भी किया। बुर्का पहन के तुम इज्जत से रह रहे हो, मेरा देखो पत्थर फोड़ के दिखे ना, ये होने के लिए रुको रुको बाजी जाने के लिए अल्लाह ने रुको रुको क्यों रुको सर आईडी क्या बताओ आधार कार्ड बताओ मेरा आधार कार्ड साथ में तो घर बताओ तो बच्ची को बताओ परेशानी नहीं है ना बच्ची के लिए भीख मांग रहे तो उपलब्ध है तुम्हारे को घर बैठे इलाज कराते बोले घर बताओ घर बताओ बच्ची का इलाज हम लोग कराते हेल्प करते हैं मैम, घर बताओ बोल के बोले हम बुर्का पहन के चिल्ला चिल्ला के भीख मांग रहे हैं यहाँ पर ठीक ठीक के भीख मांग रहे हैं। तो मैडम क्या बोले भाई घर बताओ तुम्हारा क्या हेल्प होना बच्ची को हम कराए थे बोले तो नहीं नहीं घर नहीं बताते बोल के बोल रही तुम्हारी
मैडम जो भी बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। और जो सो इधर जो सो ऑफिसर आप बहुत कुछ है, ऑफिसरों को चाहिए उन लोग एक्शन लेना। खाली पीली के बदनाम हो जा रहा हैदराबाद में भीख मांग रहे बोल के लोग, एक्शन लेना ऑफिसर।